तो ख्वातीन हज़रात, हम ये आए थे चाइना बॉर्डर, सोचा था एक छोटी सी गाइड बना लें। तो कल हमने अपना सफर स्टार्ट किया चकवाल से और दासू के खतरनाक रास्ते से होते हुए हम पहुंचे चलास। चलास के बाद हमने पहला टूर किया बाबूसर टॉप का और फिर हम किस तरह पहुंचे गिलगित, ये तो आपने देखा ही होगा। तो कल रात हमने स्टे किया गिलगित में ही। गिलगित पहाड़ों में गिरा हुआ पाकिस्तान का वो वाइज शहर है जिसके नाम से डिस्ट्रिक्ट भी है और प्रोविंस भी। सो वेलकम टू चाइना बॉर्डर ट्रिप डे टू। आज हमने फरहान भाई कहाँ जाना है जरा बताइएगा। भाई हम जाएंगे अभी इंशाल्लाह उमजा अताबाद, ये पे जाएंगे, हुसैनी बेच पे जाएंगे और उसके बाद पंजाब पास। ये ऑलमोस्ट 600 का आज हमारा सफर होगा और अभी बस नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे। इंशाल्लाह रहने पर इनके तैयार होने तक हम आपको इतना गिलगित दिखा के लाते हैं। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। हम कादरी हसन साहब को गिलगित आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जश्न होगा बकायदा चकवाल में और फायरिंग का इंतजाम भी किया जाएगा। तो खौतीन हज़रात, कल का हमारा दिन सिर्फ और सिर्फ गुजरा सफर में ही, तो आज हमारा जो दिन है वो गुजरेगा व्यू पॉइंट्स पे। बाय द वे, इस वक्त हम गिलगित में हैं, हमारे फ्रंट और बैक पे ये सारे का सारा व्यू गिलगित का। हा हा हा, बुलंद चोटियों पे बर्फ और ये बर्फ के साथ आती ठंडी हवा और ये मौसम की बहार और ये पहाड़, क्या बात है। ये है ख्वातीन हज़रात कराकरम हाईवे जिसको हम कल से फॉलो कर रहे हैं। किसी के पास हमने ले लिया था रूम, रात को हमने स्टे किया और ये हमारे सामने है गिलगित शहर। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अभी हम रूम पे चेक इन करें, चेक इन टाइम। बाय बाय गिलगित बल्तिस्तान। सही है भाईजान, बहुत शुक्रिया हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, बहुत शुक्रिया। अब भाई की अंग्रेजी को ना जज मत करो और तैयारी करो हुंजा जाने की। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। या मानला, सामान फेंको गाड़ी में और सबसे पहले करो नाश्ता। आलू पराठा, चिकन पराठा, चीज पराठा, मलाई पराठा। वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अब नाश्ता करने के बाद निकालो गाड़ी। बारिश की वजह से हमारी गाड़ी का हाल आप देख सकते हैं। और नॉन स्टॉप सफर स्टार्ट करो हुंजा तक। यहाँ के रोडों पे आपको सबसे बेहतरीन एक चीज मिलेगी, सारी की सारी NCP गाड़ियाँ, यानी के नॉन कस्टम पेड। गिलगित में तुम गिलगित पार्क और गिलगित म्यूजियम भी ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो। और यूनिटी फेथ डिसिप्लिन के साथ निकलो गिलगित से। गिलगित से निकलते हुए रास्ते में आने वाले इस पुल से तुम्हारे 14 तबक रोशन हो सकते हैं। अब रास्ते में जाते हुए तुम्हें राका पोशी को देखने का एक और मौका मिलेगा। गाड़ी को करो रिफ्यूल और वेलकम टू हुंजा। अब हुंजा को इन पहाड़ों का दिल कहा जाता है
और वो क्यों कहा जाता है आप खुद ही देख लो। When I feel cold, I'll keep you close. And if I could hold you and take you home. خواتین حضرات ویلکم ٹو ہنزا۔ ہنزا کی پہاڑیوں میں ہم آ چکے ہیں۔ کبھی تو ان پلیسز کو صرف یوٹیوب پہ یا خصوصاً بچپن میں پی ٹی وی ہوم پہ دیکھا تھا، تو آج یہ پلیسز ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ڈریم پلیسز۔ If you are mine to keep, I wish I could leave you my love, but my heart is a mess. My days, they begin with your name, and nights end with your breath. اگر تمہارا پلان ہے چائنا بارڈر کو ہاتھ لگانے کا تو ٹائم کو مینج کرتے ہوئے نکلو ہنزا سے، کیونکہ دو سے پہلے ہر حال میں تم نے سست بارڈر تک پہنچنا ہے۔ اب ہنزا سے آگے تم سفر کرو گے عطاباد لیک تک ٹنلز میں، اور ٹنل سے نکلتے ہی تمہارے سامنے ہوگا وہ ویو جو تمہارے روح کو خوش کر دے گا۔ اب عطاباد لیک اپنے پہاڑی ویو اور سبز پانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اب عطاباد کے بعد اگر تو تم چاہتے ہو کہ ٹور میں تھوڑا سا ایڈونچر ہو تو پھر پہنچو حسینی سسپنشن برج۔ یہ ویو پوائنٹ ہے، یہ دیکھیں جب آپ ٹرن کریں گے یہ سنی ویو بیج ویو پوائنٹ ہے۔ آپ یہاں سے یہ کچا راستہ ہے، یہاں سے آپ گھوم کے وہ سامنے جائیں گے، وہ سامنے جا کے وہ وہاں سے آپ نیچے جائیں گے، ہم لوگ وہاں سے سنی ویج لیکن یہاں سے نہیں آگے گھوم کے بھی نظر آئے گا۔ خواتین حضرات یہاں سے آپ کو وڈن آرٹس بھی مل سکتے ہیں، بائی دی وے اوریجنل چیز، اوریجنل ہے بھائی، اوریجنل ہے۔ یہ کس دوے مرکور تھے یاگ دے یہ یار۔ خواتین حضرات ابھی ہم ہائک کر کے جا رہے ہیں حسینی برج کی طرف۔ حسینی برج کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے فرحان بھائی بتائیں گے۔ فرحان بھائی ذرا برج کی ڈیٹیلز بتائیں نا کچھ۔ بھائی وہ سامنے دیکھا ہے، وہ سامنے آپ نے، جی جی وہ حسینی برج ہے، حسینی سسپینشن برج بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ پرانا برج ہے، ٹھیک ہے۔ اور سسپینشن جیسے کار کی سسپینشن نہیں ہوتی اوپر نیچے، جیسے شاک ابزاربر ہوتے ہیں آپ کے جم کرنے اوپر نیچے ہوتے ہیں، یہ ہے۔ اب آپ اس کا کال کریں نا آپ کو کتنے وقت خوف آئے گا فرسٹ ٹائم یار، یہ کہ نیچے تو نہیں جانے لگا کیوں ہے یہ۔ حسینی سسپینشن برج پہ تم زپ لائن اور سائیکلنگ بھی ٹرائی کر سکتے ہو۔ ٹکٹ حسینی سسپینشن برج خود ایک ایڈونچر ہے، اور یہاں پہ ویڈیو بنانا خصوصاً طور پر اس کے اوپر چلتے ہوئے ایک رسک ہے۔ بائی دی وے موبائل رکھ چھوڑ پہلے ایک بار بیک آوندے ہاں، ٹھیک ہے مڑ کے اوسر نہیں تو تے پہلا آرن ویڈیو جڑی بڑانی بڑا چل رہی ہے۔ اب بڑے بھائی کا حکم سارا آنکھوں پر۔ اکلوتا دل میرا تجھ پہ قربا ہوا، حقیقت ہے برج پہ آگے میرے دوستوں کی ٹانگیں کانپتے ہوئے۔ جو ڈر گیا وہ گھر گیا، آج آ جا ڈر نہیں جاتے، پروٹوکول بھی ہوتا ہے نا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر تو تم کمزور دل کے مالک ہو تو یہاں پر آ کے کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل سکتی ہے۔ اب یہ ایڈونچر تمہارے لیے لائف مومنٹ ایڈونچر ہوگا۔ برج کی لینتھ کی اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً 650 فیٹ کا ہے، یعنی کہ اگر میٹرز میں بات کی جائے تو 200 سے 300 میٹرز کے آس پاس۔ اور جب تم اس کے درمیان میں پہنچ جاؤ گے تو پہاڑوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا تمہارے خوف میں مزید اضافہ کرے گی۔ فائنلی ہمارے بھائی احسن بھی پہنچ چکے ہیں۔ احسن بھائی کیسی فیل ہے؟ اب برج کے دوسرے کنارے پر ہوا کی تیز بھاؤ کی وجہ سے تم کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکو گے۔ کب
से कह दूं हाथ छोड़ के आ जाए भाई, लेकिन हाथ रखे हुए फिर भी डर डर। बाकी तीनों हम उसके साथ आए, आप भी उसके बाद निकला, वहां से पहुंच भी गया। धागे में जोड़ दूं और गवाह हुए दुनिया, ब्रिज को कहो बाय बाय और निकलो पासू की तरफ। तुम जो मिले तो पता मिल गया, लापता बरसात का। अगर तुम मेरी तरह सिंगल हो तो दिस हार्ट इज फॉर यू, अब इसे फिल करना तुम्हारे ऊपर है। सो वेलकम टू पासू। अब यहाँ पे तुम्हें एफिशिएंसी मारने का मौका मिल सकता है, और इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ मोमेंट और ये व्यू इसके बाद लाइफ में नहीं आने वाला। यहाँ पे तुम्हारे सामने होंगी पासू कॉर्न्स, जो कि पासू गांव को साया फराहम करती हैं। इन कॉर्न्स की खासियत यह है कि इनकी चोटियाँ कॉर्न्स की तरह हैं, पर इनकी बुलंदी ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 24 हज़ार फुट तक है। पासू गांव की खूबसूरती का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि ये गांव दरख्तों के दरमियान में घिरा हुआ है, जिसके एग्जैक्ट सामने बुलंद बर्फीली चोटियां हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो यॉक्स को तो देख ही सकते हो। झुंड दो मिनट लो, ये ना इन्होंने शोर लाइए थोड़ा, बात तो सही है। अब यॉक्स के साथ ज्यादा फ्री होना तुम्हारी जान के लिए हानिकारक भी हो सकता है, तो सेफ्टी फर्स्ट। ओए हां कट गई, वाह वाह दोस्तों, आज ही माइनस ही टेंपरेचर है, अंदर साड़ी माइनस होई पी है। यो यॉक्स को कहो बाय बाय और एंट्री करो पंजाब नेशनल पार्क। सुस खातिन हज़रात, यहाँ पे अभी बॉर्डर चेक आ गया, इसके बाद आगे स्टार्ट होता है एरिया गुजरात पास का, जो मतलब चाइना बॉर्डर का स्टार्ट होता है एरिया। यहाँ से आगे ना तो ड्रोन अलाउ है ना ही कोई कैमरा अलाउ है, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हम मोबाइल व्लॉगर्स हैं। अब यहाँ पे आके ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम्हारी आवाज़ ऑटोमेटिकली धीमी हो जाएगी। अब एंट्री करने के बाद जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुम्हारी हाइट में बुलंदी और टेम्परेचर में कमी आएगी। तो चलते हैं फिर हुंजराब पास की तरफ और देखते हैं मारखोर। मारखोर वैसे तो इन पहाड़ों पे ओपनली घूम रहे होते हैं, लेकिन जिस मौसम में हम जा रहे हैं इनके नजर आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। अब मारखोर को देखने का तो पता नहीं, लेकिन इससे आगे तुम्हारा एक और ख्वाब जरूर पूरा होने वाला है, अगर तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लाइव स्नोफॉल का। मारखोर ये चेक करें खवातीन हजरात, बर्फ मारखोर देखते हुए हमारा भैया, एक दो तीन चेक करो, छह सात एक छोटा बच्चा आठ तो तुम्हें कैमरे की आंख से कैसे नजर आएंगे। मेरे ख्याल से टेलीस्कोप वाला आइडिया ही बेस्ट है। बात ही नजर लाइव लाइव व्यू मारखोर को, वो ही खुशी से जो चार्जेस आप देना चाहें दे सकते हैं। ईद का चांद देखते हुए हमारे भाई जाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े ट्रॉफीज है, ये तो छोटे बच्चे हैं। अच्छा तो आप रोड के साइडों पे देखते जाए नजर आ, बिल्कुल रोड पे आएंगे वो। अच्छा इससे आगे आप हमारे पास नेक्स्ट स्टॉप है खुजराब पास पाक चीन बॉर्डर, तो मिलते हैं आपको बॉर्डर पे। चलो जी चलो छाटने वो थोड़ा नफा थोड़ा नुकसान है, जिंदगी है परेशान है,
गनीमत है तू है यहाँ जीने में आए मजा। सो फाइनली यू हैव रीच्ड योर फाइनल डेस्टिनेशन खुंजराब पास चाइना बॉर्डर। खुंजराब पास दुनिया का बुलंद तरीन बॉर्डर है जिसकी बुलंदी 16,200 फीट है और करंटली इसका टेम्परेचर -15 पे है। ओए 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 वेलकम टू खुंजराब पास खवातीन हजरात, दो दिन के सफर के बाद फाइनली वेलकम टू खुंजराब पास। गाड़ी में पैदल जा सकते हैं। फाइनली वो रेड एट चाइना बॉर्डर, ये देखें हाथ जम चुका है बिल्कुल। यहाँ बहुत शदीद ठंड है, शदीद ठंड है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स अलाउ नहीं है, इतनी ठंड है। सो वाइब चेक, वी आर हियर एट खुंजराब पास चाइना बॉर्डर। इज दिस ऑल इट्स गोना बी गोल्ड डस्ट शिमर्स ऑन माय फीट दे ले मी डाउन इन द स्काई टर्न पिंक। Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet and they lay me down in the sky turn pink. ये था हमारा ट्रिप टुवर्ड चाइना बॉर्डर खुंजराब पास, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक। तो लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। थोड़ी सी मोहलत है खर्चेंगे होली से। धीरे से ओ डरना जीने से जीने से।